हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एटी इकोनॉमिक्स। जैसे कि पिछले वीडियोस में हमने डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल्स सीखा था और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम डिफरेंशिएशन की रूल नंबर 3 यानी कि प्रोडक्ट रूल के बारे में सीखेंगे। डिफरेंशिएशन सॉल्व करने के लिए ये रूल आना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन वी हैव वाई इज इक्वल टू यू इंटू वी, then differentiation of y with respect to x is equal to u into dv by dx plus v into du by dx। इसका मतलब है u into हम v को differentiate करेंगे plus v into u को differentiate करेंगे। इसे हम एक example की सहायता से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास में question है, y is equal to 3x स्क्वायर इंटू 5x। यहाँ पे ये u है, ये v है, ये u इंटू v के फॉर्म में है। इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इस फॉर्मूला का यूज़ करके। तो हमारा डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करें, पहले हम u जो है उसे लिख लेंगे 3x स्क्वायर जैसे दिया हुआ है, इंटू हम v को डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे हम 5x को, बीच में प्लस अब हम भी लिखेंगे मतलब 5x, और डिफ्रेंशिएट करेंगे 3x स्क्वायर को। तो ये क्या होगा हमारा, ये 3x स्क्वायर को ऐसे ही उतार लेना है, 5x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉन्स्टेंट 5 बाहर आ जाएगा। ये हो जाएगा d बाई टी एक्स ऑफ x प्लस 5x इंटू कॉन्स्टेंट 3 बाहर आ जाएगा d बाई टी एक्स ऑफ x स्क्वायर। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू 5x का पावर 1 है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस 5x इंटू 3, यहाँ पे x का पावर 2 है, 2 बाहर आ जाएगा, ये x का पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 इंटू 5 15x स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 15x इंटू 2x का पावर 1। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 15x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 15 इंटू 2 30x, यहाँ पे x का पावर 1 मतलब टोटल हो जाएगा 2, क्योंकि बेस सेम है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर जुड़ जाएगा। ये हो जाएगा टोटल 45x स्क्वायर, मतलब हमारा dy बाई डी एक्स क्या आ गया, 45x स्क्वायर। इसे एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे कि हमारे पास में क्वेश्चन है, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5, ये भी हमारा u इंटू v के फॉर्म में है। यहाँ पे u है हमारा x प्लस 5 और v है हमारा x माइनस 5। इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, y dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले हम u लिखेंगे मतलब x प्लस 5 लिखेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे x माइनस 5 को, बीच में प्लस साइन, अब x माइनस 5 मतलब भी लिखेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे x प्लस 5 को। ये हो जाएगा x प्लस 5, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का पावर 1 है, मतलब ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन इसका 1, कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करने पे 0 प्लस x माइनस 5। सेम इसी तरह से x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस कांस्टेंट का 0, ये हो जाएगा x प्लस 5 इंटू 1 प्लस x माइनस 5 इंटू 1। इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x प्लस 5 प्लस ये भी मल्टीप्लाई करने पे x माइनस 5, तो ये x माइनस 5, ये प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, आंसर होगा हमारा 2x, मतलब हमारा dy बाई डी एक्स क्या आ गया 2x। इस तरह से प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके हम डिफ्रेंशिएशन के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आपको एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इस प्रकार से फॉर्मूला डाल के इसको सॉल्व करना पड़ेगा, पर ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए जैसे कि नेट JRF या CUET के एग्ज़ाम के लिए आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इसी क्वेश्चन को मैं बतलाती हूँ,
आपके पास में क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस फाइव। आप चाहें तो ये पूरा फॉर्मूला u इंटू v का अप्लाई ना करके आप डायरेक्टली क्या कर लीजिए, यहीं पे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू, पहले आप x से मल्टीप्लाई कीजिएगा x माइनस फाइव को, बीच में प्लस है प्लस तो फाइव से मल्टीप्लाई कीजिएगा x माइनस फाइव को। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, ये मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स फाइव एक्स प्लस माइनस माइनस फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव। y इज इक्वल टू प्लस माइनस फाइव एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव। अब इसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सिंपल तरीके से, d बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव, ये हो जाएगा d बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d बाय डी एक्स ऑफ सॉरी माइनस d बाय डी एक्स ऑफ ट्वेंटी फाइव। टू एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर टू बाहर, x का पावर टू माइनस वन माइनस कॉन्स्टेंट को डिफ्रेंशिएट करने पे ज़ीरो। तो ये क्या हो जाएगा टू x का पावर टू माइनस वन मतलब वन, इसको टू एक्स लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से भी हमारा डिफ्रेंशिएशन टू एक्स ही आता है, और अगर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं तो भी हमारा डिफ्रेंशिएशन टू एक्स ही आता है। आप चाहे तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ये फॉर्मूला ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन क्या था, y इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर इंटू फाइव एक्स, इसे मैंने आपको सॉल्व करके बतलाया प्रोडक्ट रूल यूज़ करके। इस तरह से हमने इसे सॉल्व किया है और आंसर हमारे पास में डिफ्रेंशिएशन का आया है फोर्टी फाइव एक्स स्क्वायर। ये हमने यहाँ पे पूरा प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है। आप चाहें तो इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहले ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, वाई इज इक्वल टू फिफ्टीन, यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं है मतलब वन है, दोनों का बेस सेम है x है तो इसलिए पावर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा जुड़ जाएगा। तो y इज इक्वल टू फिफ्टीन एक्स का पावर थ्री। अब इसे हम सिंपल तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिफ्टीन कॉन्स्टेंट है बाहर रह जाएगा, यहाँ पावर बाहर आएगा थ्री और x का पावर थ्री माइनस वन। जो मैंने बेसिक रूल्स में फॉर्मूला बतलाया था y इज इक्वल टू एम एक्स का पावर n वाला, यही फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो हमारा dy वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 15 इंटू थ्री फोर्टी फाइव एक्स का पावर थ्री माइनस वन मतलब टू, हमारा dy वाई बाई डी एक्स आ गया फोर्टी फाइव एक्स स्क्वायर, जिस तरह से प्रोडक्ट रूल में भी आया था हमारा आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्टी फाइव एक्स स्क्वायर हमारा प्रोडक्ट रूल में भी आया था, और हमारा डायरेक्ट अगर हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो भी हमारा फोर्टी फाइव एक्स स्क्वायर ही आता है। तो इस तरह से आप अगर आपको एग्ज़ाम में प्रोडक्ट रूल यूज़ करके सॉल्व करना है तो प्रोडक्ट रूल वाला सीखिए, वरना आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। आगे डिफरेंशिएशन को इजीली सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल ए टी इकोनॉमिक्स।